ये व्यवसायिक चैनल नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के गंडे ताबीज या मुद्रिकाएं वगैरह नहीं बेचे जाते। इस चैनल का उद्देश्य केवल साधकों और साधना में रुचि रखने वालों को ज्ञान प्रदान करना है। हमारे यहाँ सभी साधनाएं हमेशा से निःशुल्क कराई जाती रही हैं और निःशुल्क ही कराई जाती रहेंगी। हम साधक हैं और हम चाहते हैं कि नए साधक तैयार हों। हम तंत्र को वापस उन्हीं बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं जहां कभी यह था। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज के दिन आपको कुछ विशेष साधना बताने जा रहा हूं। तंत्र की दुनिया में इस तरह की साधनाएं आजकल बहुत कम देखने को और बहुत कुछ सुनने समझने को मिलती हैं। इन साधना विधियों की जो जानकारियां हैं वो आजकल बहुत ही ज़्यादा गोपनीय हो गई हैं, या तो कुछ गुरुओं को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जिनको होती है वो आसानी से ये क्रियाएं बताते नहीं हैं। कई जगहों पर हमारे हिंदुस्तान में इस तरह के हालात हैं जहां पर ज़मीन के अंदर पानी नहीं है, तो मुझसे कई लोगों ने इस तरह के सवाल जवाब किए कि गुरुजी कुछ ऐसी साधना, कुछ ऐसी क्रिया, कुछ ऐसी विधियां हों जिसके द्वारा ज़मीन के अंदर जो जल होता है, पानी होता है, इस पानी को पता किया जा सके। कई बार क्या होता है कि लोग समर लगाते हैं, बोरिंग करवाते हैं और काफ़ी पैसा लगा देने के बाद, काफ़ी गहराई तक जाने के बाद भी उन लोगों को पानी प्राप्त नहीं होता और उनका हजारों लाखों रुपया डूब जाता है। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी दुर्लभ साधना लेके आया हूँ। इस साधना के द्वारा जो शक्ति आप प्राप्त करोगे, उस शक्ति के बल से आप जिस जगह पर भी जल होगा, आप उस जल का, स्रोत का अच्छे और बेहतर तरीके से पता कर सकते हैं और लोगों को बता करके समाज का कल्याण कर सकते हैं, भला कर सकते हैं। इस साधना के लिए जो सबसे उपयुक्त शक्ति होती है उसका नाम है जल सुंदरी। जल सुंदरी जो साधना है यह प्रयोग केवल 3 दिन का होता है। आप यदि इसके और अच्छे परिणाम आते हैं और आप इसके अच्छे परिणाम चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये साधना 3-3 दिन के 3 प्रयोग आपको कर देने हैं पूरे। करना इसका प्रयोग एक बार में केवल 3 ही है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में इसे 11 दिन कर दो। 3 दिन करके इसका प्रयोग बंद कर देना है, फिर आप इसे नए सिरे से 3 दिन से शुरू करो, फिर आप नए सिरे से 3 दिन से शुरू करो। इस तरह इसके 3 प्रयोग संपूर्ण कर लेने पर यह आपको 100% सटीकता के साथ जल का स्थान आपको बोध कराएगी, कहां पर इसका धन जल बना हुआ है। तो जैसे राजस्थान का हमारा इलाका है, इस इलाके में और गुजरात साइड में, महाराष्ट्र साइड में ये विद्या का काफ़ी इसकी आवश्यकता मैंने महसूस की है और वहाँ से लोगों के जो कमेंटमेंट मुझे आते हैं, सवाल लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं वो यही होती थी कि गुरुजी कुछ ऐसा कुछ प्रयोग या विधि दे दी जाए। तो इसके लिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। यह प्रयोग मात्र आपको 3 दिन के लिए करना है। 3 दिन इस प्रयोग को जब आप संपन्न करोगे आपको एक शक्ति प्राप्त होगी। आपको एक हाथ में नारियल लेना है, पानी का नारियल जो होता है, बजने वाला नारियल। उस पानी के नारियल को अपने हाथ पे रख के आपको पूजा देनी है, देवी को भोग देना है और आप इस नारियल के द्वारा लेकर के जब भी आप जहां भी घूमोगे आपको बोध हो जाएगा कि कहां पर पानी है। अगर आप इसके ठीक से प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को यह भी बता सकते हैं कि यहां पर पानी खारा आने वाला है या मीठा आने वाला है। कई बार ऐसा होता है जिन इलाकों में खारा पानी पाया जाता है वहां पर भी मीठे पानी के स्रोत का पता करने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। यह विद्या काफी दुर्लभ प्रयोग है और बहुत कम इसके जानने वाले हैं। ऐसे साधक जो साधनाएं क्रियाएं करते रहते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, जिनकी गद्दी लगी हुई है, ऐसे लोगों के लिए यह क्रिया एक वरदान स्वरूप है और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को यह साधना अवश्य संपन्न करनी चाहिए। इस साधना में मात्र 3 दिन का प्रयोग है, छोटी मोटी सामग्री है और इसमें कोई भी ज्यादा इतना वो नहीं होता, जिसमें इसमें लंबा इतना विधान नहीं होता इसका। तो जल के लिए इसकी जो भी आप लोगों को साधना जिस किसी भी भाई को करनी है वो हमारे केंद्र पे संपर्क कर सकता है। हम आपको इसकी संपूर्ण क्रिया विधि, आपको जानकारियां देंगे और ये साधना आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है दोस्तों।